हाय गाइस नमस्कार सबसे कल आदाब वेलकम टू द चैनल टू ऑल द वंडरफुल एंड लवली पीपल हुज वाचिंग मी राइट नाउ। सो आज की जो वीडियो है, जो आज का व्लॉग है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, बिकॉज प्यार आप मेरे से इतना करते हो तो हम दोनों के लिए स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है, बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं अपने चैनल पे पहला अनबॉक्स, पहला रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम गोनोइज, जिसका नाम है प्ले टू। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नॉइज प्ले टू की अनबॉक्सिंग। तो ये छोटा सा बॉक्स आता है नॉइज प्ले टू का, आप देख पा रहे हैं कितना छोटा सा बॉक्स है। तो पहले खोलने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 170 डिग्री वाइड एंगल FOVS का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वाइड है, काफ़ी अच्छा वाइड दिखेगा। LCD डिस्प्ले जो है इसका 5.08 सेंटीमीटर टच स्क्रीन है, या पढ़ पा रहे हैं अगर आपको दिख रहा होगा। और सबसे खास बात और अच्छी बात यह है कि पहला जो इनका प्रोडक्ट था प्ले वन, उसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके अंदर जो इनबिल्ट माइक था, जो इनबिल्ट स्पीकर था, वही था, मगर इसके अंदर कंपनी ने एक्सटर्नल माइक का फैसिलिटी दिया है इस बार, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो नॉइज़ कैमरा से या एक्शन कैमरा से व्लॉगिंग करना चाहते हैं या मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और वाईफाई स्पीकर मिलता है इसके अंदर, बिल्ट इन पोर्ट्स दिए हैं इसके अंदर, मिनी USB एंड माइक्रो HDMI, और क्लास 10 का अप टू 128 GB माइक्रो SD कार्ड ये सपोर्ट करता है। और सपोर्टेड फॉर्मेट जो है इसके H.264 कोडेक, MP4, JPEG, दैट्स गुड। और बैटरी लाइफ भी इन्होंने पहले से ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है, लॉन्ग लाइफ कर दी है, 1200 mAh की बैटरी दे रहे हैं, क्योंकि इनफ है एक्शन कैमरा के लिए। तो बातें इस पैकेज में हमें क्या क्या मिलता है। इसमें मिलता है हमको प्ले टू एक्शन कैमरा, जो कि मिलना ही है, वो तो मेन है, एक बैटरी, एक वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल एंड USB कोड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसका ओपनिंग करते हैं। और हमारा औजार कहाँ है इसे काटने के लिए, याद है ना ये वाला औजार, लैपटॉप की भी ओपनिंग इससे ही करी थी। तो इसे काटते हैं, यस ये गया स्टिकर। सो ये रहा हमारा नॉइज प्ले टू का एक्शन कैमरा। इसको भी हम साइड रखते हैं, पहले पैकेज में देखते हैं क्या क्या है। इसका फोम है, ये रही इसकी यूज़र मैनुअल, जिसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या ओवरव्यू है, कैसे पावर ऑन करना है, ये सब है इस यूज़र मैनुअल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, सो ये रही वो बैटरी 1200 mAh की, जो कि मैं आपको बताया कि एफिशिएंट है एक एक्शन कैमरा के लिए। इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं। और एक डेटा केबल चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी हम ये सब कुछ साइड में रखते हैं और आते हैं कैमरे के ऊपर। इसका ये पील मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसका प्रोटेक्टर जो लगा हुआ है, और ये पीछे का TFT स्क्रीन का भी प्रोटेक्टर हम हटा देते हैं। तो आपको बता दूं इस कैमरे के अंदर ग्लॉसी फिनिश में है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया है इन्होंने प्ले टू के अंदर। और यहाँ पे पावर मोड बटन है, एंड ये शायद इसका क्लिक करने का होगा। तो उसका बैटरी कंपार्टमेंट, हाँ इट इज़ द बैटरी कंपार्टमेंट। इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कैमरा ऑन करके। यस, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैमरा ऑन हो चुका है। और अभी हमें इसमें एक मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, बिकॉज़ मेमोरी कार्ड अभी हमको नहीं मिला है, तो वो हम डालते हैं, दिखाते हैं आपको इसके बारे में भी मेमोरी कार्ड डाल के। मगर उससे पहले जो उसका एक और कंटेनर है जो साथ में आता है, वो है ये, तो अभी हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी माइक्रो SD कार्ड डाल के फिर इसका कुछ शूट्स वगैरह लेंगे या कुछ पिक्स वगैरह लेंगे। तो ये है इसका एसेसरी बॉक्स जो साथ में आता है आपके कैमरा के। ये इसका वाटरप्रूफिंग केसिंग है, जो कि अच्छा प्लस, इसका भी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया अच्छा है। और इसकी खुलता किधर से है, यस फ्रॉम हेयर, वेरी गुड। ये माउंट्स हैं, बेसिक माउंट्स हैं, ये आपका बाइक्स वगैरह में, या अगर आप स्केटर हैं या
डाइविंग करते हैं, बाइसाइकिलिंग करते हैं, तो बाइसाइकिलिंग बाइसाइकिल माउंट है, और ये जो है कैमरा माउंट, तो काफ़ी सारे माउंट्स इन्होंने इसके साथ दिए हैं। एंड यू ऑल्सो गेट द 16 GB क्लास 10 जी कार्ड विद दिस ओनली। इसमें नहीं दिया है बिकॉज इट्स ए रिव्यू यूनिट, इसमें उन्होंने नहीं रख के दिया है, बट जैसे कि मेरी बात हुई है नॉइज एक्शन कैमरा टीम से, तो उसके साथ आपको एक क्लास 10 का माइक्रो SD कार्ड भी मिलेगा 16 GB, जो कि गुड है। तो अब आते हैं कैमरे की तरफ, इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, मगर उससे पहले हमको डालना पड़ेगा इसमें माइक्रो USD कार्ड। बॉक्स के साथ मेरे को तो नहीं मिला है बिकॉज ये रिव्यू यूनिट है, तो मैंने इसमें अपना डाल दिया है। इसे ऑन करते हैं एंड कैमरा ऑन हो चुका है, आप देख रहे हैं, और इस टाइम 4K 16:9 का 13 फ्रेम पर सेकंड पे ये सेट हुआ है। तो हम पहले देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। अगर आप इसे ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वाईफाई, ये ऑफ, ये लॉक, और ये क्या है, ओके। इससे अगर आप इसको स्टार मार्क को या स्टिक मार्क को दबाते हैं तो आपका एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। और अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ, तो इसके अंदर हमें रेजोल्यूशन मिलते हैं 4K 16:9 13 फ्रेम पर सेकेंड, 4K 24 फ्रेम पर सेकेंड, 1440 1080 16 फ्रेम पर सेकेंड, आप देख पा रहे होंगे, एंड सो ऑन। वापस जाते हैं पीछे की तरफ, अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है क्विक रिकॉर्डिंग, जो भी हमने ऑफ किया हुआ है, एक्स्ट्रा पावर, LED में और LED ऑन है, OSD, बीप, लॉक, ऑटो ऑफ एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसका वाईफाई के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा, ये इसका वाईफाई है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शायद बताया नहीं इसको, हम अगर 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। नॉइस का एक ऐप आता है Play 2 का, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मगर हमने इंस्टॉल कहाँ से करा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए अपने प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है नॉइस, शायद आपको दिख रहा होगा नॉइस Play 2, और ये वाला है पहला, अगर आप इसको दबाते हैं तो आपका नॉइस Play 2 हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन के अंदर, अपने सैमसंग फ़ोन के अंदर, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं कैमरा के साथ और देखते हैं। तो सी आप पूरा इसमें देख सकते हैं, एंड सो देयर नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो आप यहीं से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ से आप अपने कैमरे का बैटरी लेवल भी आपको पता लग जाएगा कि कितना बैटरी लेवल रह गया। तो रिव्यू करा जैसा भी करा, मुझे पता नहीं कैसा करा है, बट कर दिया आप लोगों के लिए। तो आपको कुछ टेस्ट शॉट्स दिखाता हूँ इसी कैमरा के, मैंने पहले लिए हुए हैं, पहले करे हुए हैं, जब मैंने Gonoise की टीम के साथ शूट किया था, तो वही टेस्ट शॉट्स आपको दिखाता हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाउज द क्वालिटी ऑफ दिस एक्शन कैमरा, और क्या ये लेना बनता है या नहीं बनता। मेरे हिसाब से इन द बजट जो है, मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो आप पहले ये टेस्ट शॉट देखिए जो इसके बाद आने वाले हैं, फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ इसी के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में, सब कुछ बताता हूँ आपको, और फिर ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, एंड करते हैं। सो एंजॉय द टेस्ट शॉट्स। तो कैसे लगे आपको टेस्ट शॉट्स जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो आपने देखे अभी, अच्छे लगे होंगे, होप सो, फिंगर क्रॉस। अगर अच्छे लगे हैं तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के क्लाइमेक्स पे, एंड पर। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं जैसे कर सकता था मैंने किया, अपना बेस्ट करा। अगर आपको हो सकता है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो अब आते हैं हम इसकी कॉस्टिंग के ऊपर, इसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो ये आपको नॉइस Play 2 कितने का पड़ेगा,
और जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में डाल रखा है स्पेशल कूपन इनसाइड, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि आप वो कैसे अवेल कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट स्प्रे टू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप खाली कैमरा लेना चाहते हैं दिस नॉइज़ प्ले टू, अगर आपको इसके साथ बॉक्स नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 9,999 रुपीज़, जो कि एक अच्छा प्राइस है एक ऐसे कैमरे के लिए जिसके अंदर आप माइक सपोर्ट करता है और 4K शूट करता है, और इट्स अ वेरी गुड प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप ये दोनों साथ लेना चाहते हैं बंडल पैक, जिसके अंदर आपको एक्सेसरी मिलता है, वाटरप्रूफ केसिंग मिलता है, नंबर ऑफ माउंट्स मिलते हैं, एंड स्पेशली क्लास 10 का माइक्रो एसडी कार्ड, यस क्लास 10 का माइक्रो एसडी कार्ड 16GB वो मिलता है। इसका प्राइस जो कंपनी ने निकाला था वो निकाला था 3599, बट कंपनी ने इसको स्पेशल प्राइस कर दिया है 2499, जिसके अंदर यू गॉट ऑल द एसेसरीज, ऑल द माउंट्स रिलेटेड टू मोटो व्लॉगिंग, व्लॉगिंग, साइकिलिंग, बाइसाइकिल, व्हाटएवर, मतलब कोई सा भी हो, कुछ भी हो। और इसके साथ आपको क्लास 10 का 16GB का माइक्रो एसडी कार्ड भी मिलेगा, जो कि एक अच्छी डील है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ अगर आप लेते हैं तो यू हैव टू पे, कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, मैथ्स अच्छी नहीं है भाई की, 10 और 14 12 12 500, मोटा मोटा अगर हम लेके चलें आपको 12,500 रुपये का ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। बट मैं दोबारा बोलूँगा कि आप इसको अलग खरीद सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको ये दोनों से चाहिए तो 12,500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो बजट में है, इतना ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है एक एक्शन कैमरा के लिए, और वो भी नॉइज़ एक रिनाउंड कंपनी है जिन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, और पेड प्रमोशन नहीं है भाई, कुछ नहीं मिला मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने अमृतसर राइड में भी इसको यूज़ किया, मैंने फिर इनके लिए शूट किया, तो मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं इसलिए बोला, अदरवाइज़ कोई ऐसा। और हाँ, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, अपनी मेन चीज़ पर, अगर आपको इसको ख़रीदना है और आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका एक कूपन कोड है, और कूपन कोड है VIK। अरे नहीं 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 नहीं, कूपन कोड यहाँ नहीं दे सकता, ये भी पीछे से मेरे को कुछ बातें बोली गई हैं कि आप कूपन कोड डायरेक्ट नहीं देंगे। तो यस, यू कैन गेट 15% एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस नॉइस प्ले टू, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरा इंस्टा और फेसबुक आईडी आ गया होगा, मेरा हैंडल आ गया होगा, आपको मेरे को उस पर मैसेज करना है कि यार यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो मैं आपको वहाँ पे इसका कूपन कोड दे दूँगा, जो जिससे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ gonoise.com। इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचते, इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, इस अनबॉक्सिंग को अनप्रोफेशनल क्या बोलूँ मैं यार, मतलब जो भी था मैंने आप लोगों के लिए किया है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो यहीं इसी के साथ मैं आपसे लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दैट सेड, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ विद यू लवली पीपल, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज राइड शुरू होने वाली है हमारी मतलब मेरी, मैं घूमूंगा तो आप भी घूमोगे। तो टिल देन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ दोबारा बोलूँगा, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, Always wear good protective gear while riding and fasten your seat belts while driving too. Bye-bye. अरे यहाँ अभी गए तो नहीं, सीरियसली यार माफ़ी हमको सरकार, मेरी ऐसी अनबॉक्सिंग आपने देखी, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी अनबॉक्सिंग सीरियसली, तो बहुत सारे लाइक ठोक देना यहाँ पे, बहुत सारे लव यू ऑल, बाय। अब जा रहा हूँ फाइनली।